Assalamualaikum guys, very good sunny morning. कैसे हैं आप सब लोग? आज कुंडे व्लॉग 6 में देखें हमारे साथ कौन आया हुआ है हमारे रूम में. हाशिम चचा फाइनली सेफली पहुंच चुके हैं कुम तेहरान से, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए सुबह सफ़र करके निकले हैं, क्योंकि ये तेहरान से थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया रहते हैं तो इनको आते आते 3 घंटे 3.5 घंटे लग गए, वरना तेहरान से कुम का रास्ता जो है वो सिर्फ 1.5 घंटे का. तो ये माशाल्लाह पहुंच गए हमारे पास. और सबसे बड़ी बात, इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया. कह रहे हैं कि नाश्ता आपके साथ ही आके करना था. मैंने इन्हें कहा था कि नाश्ता जो है आप हमारे साथ कीजिएगा. तो गाइज अदनान साहब आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए. गाइज इस शक्ल को तो आप लोग को जानते ही होंगे. रोजी हमारे व्यूअर्स को सलाम करें, गुड मॉर्निंग करें. सलामुलेकुम, गुड मॉर्निंग. हाँ, तो ये चेहरा पहचान लें इस बंदे को अच्छी तरह से. गाइज ये जब तक ना हो साथ तो मज़ा नहीं आता. तो चलते हैं अदनान, रेडी हैं आप? रेडी हैं गाइज. अब चलते हैं, चल के नाश्ता करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं और चल के फिर आगे. आज इंशाल्लाह हम प्लान है हमारा, चचा आ गए कि शाम को जो है बीबी फातिमा मासूमा के रोज़े पे जाएंगे. वैसे तो हम रोज़ ही जाते हैं बट आज ऑफिशियली शूट करेंगे वहाँ. देखते हैं कि जितना शूट कर सकते हैं, इजाज़तनामा लेना पड़ेगा तो आज जितना कवर कर सकते हैं आज आपको बताएंगे. और बहुत सारी काम की चीज़ें आज के व्लॉग में, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईरान, यहाँ पे जो लोग बिज़नेस करना चाहें बिज़नेस वालों के लिए, जो लोग यहाँ पर रहना करना चाहें, इवन दो जो शादी करना चाहें, जो यहाँ पर अपने तरीके से जो कुछ करना चाहें, उन सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग के अंदर अवेलेबल होगी. सो डोंट मिस दिस व्लॉग, डोंट स्किप दिस व्लॉग. आज के व्लॉग के लिए आपको कहूँगा कि आपने इसे पूरा देखना है. तो हाशिम चचा चले फिर नाश्ते के लिए. आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया? बिल्कुल मेरे इंतज़ार में नहीं खाए. तो चलते हैं, ये अदनान तैयार होने में टाइम लगा देते हैं. गाइज ये देख लें, ये होठों के ऊपर अदनान क्या वैसलीन लगा रहे हैं और ये अदनान टाइम लगा देते हैं बेसिकली, वरना हम तो बिल्कुल रेडी स्टडी गो होते हैं. क्या कहेंगे अदनान? चलो भाई चलें. हाँ तो गाइस चलते हैं फिर, नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आगे आपसे. हम इस वक्त फातिमा मासूमा के रोज़े के ऊपर हैं. आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कैसा लग रहा है यहाँ पर? स्पिरिचुअली कितना सुकून है, बहुत सुकून है. ये फातिमा मासूमा के रोज़े के अंदर है गाइस. फाइनली रात का वक्त है. हाशिम चचा, ये हमारे हाशिम चचा, देख लें आप. कितना खूबसूरत मंजर है, रूपरवर मंजर है माशाल्लाह. सो गाइज हमारे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत, आप देखें बीबी फातिमा मासूमा का रोज़ा. यहाँ पर वीडियो बिल्कुल अलाउ नहीं थी बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैनेज कर लिया, सेटिंग बनाई ली. और हाशिम चचा हमारे साथ पीछे देख लें, हमारी जो हाज़िरी है वो कबूल हो, सादत दी हमें माशाल्लाह. गैस बहुत ही खूबसूरत मंजर.
जो शख्स भी हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की कुम्म ज़ियारत करेगा बिल्कुल ऐसा है जैसे उसने मेरी ज़ियारत की हो। इमाम रिदा अलैहिस्सलाम। ये अब हम ज़ियारत से निकलकर बाहर जो सहन हाता हाते में आ चुके हैं, बहुत ही रूपरवर मंजर है। अदनान मेरे राइट साइड पे आ जाइएगा काइंडली। कैसा लगा आज आपको अंदर? कितना सुकून आया, ज़हनी सुकून कितना आया? ज़हनी सुकून, दिमागी सुकून, हर सुकून ही सुकून है भैया। तो यहाँ पर आते रहेंगे इंशाल्लाह आप जब भी आएंगे। गाइज हमें आइडिया नहीं था सिक्योरिटी का, बट अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू ऑल गार्ड्स और वो सिक्योरिटी ऑफिसर अमीन अलमाहरी थे, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमें अलाउ किया कि आप अंदर, यानी कि कोई बाकी ब्लॉगर्स उनको उन्होंने अलाउ नहीं किया, बट उन्होंने हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा कि ज़रूर आप वीडियो बनाएं। आप पाकिस्तान से आए हैं और आप बताएं लोगों के ईरान एक पुरअमन कंट्री है और यहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए आते हैं और आते रहें। तो गाइज़ अब यहाँ अहाते में आए हैं और अहाता देख लें आप हमारे पीछे। गाइज़ ये अहाता है। हाशिम भाई कैसे हैं? गाइज़ हाशिम चचा माशाल्लाह, थकावट चली गई आपकी? नींद चली गई? बिल्कुल बिल्कुल। गाइज देखिए माशाल्लाह सामने ये इतना खूबसूरत गुम्बद, ये सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं, ये अहाता है। गाइज आओ सामने चलते हैं आर्मी के पास। महान ये मेहमान पजीर जो है मेहमानों के लिए है एक्चुअली। और आगे साहिन कंदक। साहिन कंदक का क्या मतलब है चचा जी? ये होटल का नाम होगा। हाँ मेहमान पजीर यानी मेहमानों के लिए होटल। चलें अदनान। गाइज ये बहुत बड़ा अहाता है, बहुत यूज अहाता है, बहुत लंबा। मुझ में तो हिम्मत नहीं है अदनान चलने की, आप क्या कहते हैं? चलते हैं चलते हैं चलते हैं। मुझ में तो हिम्मत नहीं है चलने की चचा। चल आराम नहीं, आराम नहीं करते चचा को लेके। आप देखें चचा की आंखों में नींद भरी हुई है और काफ़ी चलने के बाद आपको काम हो जाए।
कॉफ़ी शॉप रेस्तोरान हितेल आरिया, कॉफ़ी शॉप रेस्तोरान हितेल आरिया। देखिए कितना खूबसूरत शॉप्स हैं, और ये हमारे पीछे शॉप्स आप देख लें कितनी खूबसूरत शॉप्स। गाइज उस दिन जो हमने ओल्ड टाउन मार्केट कल के व्लॉग में कवर की थी, एक्चुअल में वो बिल्कुल इसके बैक साइड पर है। अब देखें आप सामने से, बिल्कुल सामने से जब हम उस तरफ निकलेंगे तो पीछे ओल्ड टाउन मार्केट है पूरी, कुम बाज़ार कदीम, उसे कुम बाज़ार कदीम कहते हैं फारसी में। तो ये देखें मिर्ज़ा मुकद्दस शख्याल। ये मार्केट देखें, यहाँ पर आए थे हम उस दिन नीचे, वो सामने देखें कितनी ह्यूज मार्केट है, कितनी बड़ी। वहाँ से जाके हम जब कल आए थे तो हमने वो सामने ओल्ड टाउन मार्केट है गाइस, जहाँ पर हमने कल शूट किया था, और हम यहाँ पर कल उस तरफ नहीं आए थे। और ये है अहाता इनका गाइस, ये देखें लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, रानीज लोकल। ये शॉप्स यहाँ पे, अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा, कैसा फील हो रहा है? जबरदस्त। अभी खाना खाया था, खाना हमारा हजम हो चुका है, और आज का व्लॉग बेस्ट व्लॉग है या नहीं है? सबसे अच्छा गाइज, हमने ट्राई किया कि हर जगह को हर एस्पेक्ट से कवर करें, आपको इन्फॉर्मेशन दें, बट यकीन माने सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। उसके बावजूद अगेन थैंक्स टू दैट ऑफिसर कि उन्होंने हमें अलाउ किया वीडियो के लिए, हालांकि इस वक्त ईरान के जो हालात हैं वो आप सब जानते ही हैं गाइस। बाइक रेसिंग यहां पर भी है, देख लें ईरानी लड़के कहां से बाहर जाएंगे। चचा चचा बाहर, हाँ कहां से? हाँ हाँ, वो ये वाली मार्केट थी ना। सो गाइस ये सामने हरम पाक, ये देखें ये बिल्कुल हरम के साथ मार्केट जहाँ कल हमने ये कवर की थी पूरी। अब हम वापस जा रहे हैं तो चलते हैं होटल। फाइनली गाइस आपने देख लिया जैसे कि आज का दिन पूरा इतना हेक्टिक था, और माशाल्लाह हमारे साथ जो है हमारे हाशिम भाई थकावट से चूर बैठे हुए। हाशिम चचा थक गए आप? सर्दी भी है, थक भी गए और सर्दी भी, और ये रात को जल्दी सोने वाले हैं, बट आज इनको इतना चलाया है कि जिसकी वजह से नींद से आके इनकी लालम लाल पड़ी हुई है। बाकी हम तो डीड लोग हैं, हमें कोई असर नहीं होता, और अदनान से भी सामने ही अदनान है, अदनान वीडियो में ना है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो गाइस आपने देख लिया मज़ार, फाइनली जो है एक्चुअल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, वीडियोस अलाउ नहीं थी, ख़ास तौर पे अंदर जो है वो जो एरिया है जो आता उनका, पहले वहाँ पे वीडियोस अलाउ थी, लोगों को जाने दे रहे थे, बट इस दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, और इवन के हमें जो मेन सिक्योरिटी गेट पे उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप जाके शूट कर सकते हैं, स्पेसिफिक जगहों का उन्होंने बताया, बट ये कि हर जगह पर आप वीडियो शूट नहीं कर सकते थे। फिर भी दिन के टाइम इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं ज़ाहिर होती थी क्योंकि लाइट्स ऑफ होती थी, और खूबसूरती इनकी लाइट्स पर है, जैसे कि आपने देखा वीडियो में कि कितना खूबसूरत गुंबद और लैंप से जो उन्होंने वहाँ पर बनाया हुआ है, पूरी मार्केट है ओल्ड टाउन मार्केट बैक साइड पे पूरे चारों तरफ, और बहुत बड़ा आता है मज़ा आता। तो गाइज़ ये कवर किया है इस वक्त, आज पूरा दिन हमारा बहुत बिजी रहा, आज हमारी बिज़नेस मीटिंग्स थी तकरीबन 5-5.5 घंटे में, और अदनान बहुत बिजी रहे, हाशिम चचे आए हुए थे, लॉयर हमारे आए हुए थे, उनके साथ 5 घंटे हम इंगेज रहे डॉक्यूमेंटेशन पे और बाकी मामलों के ऊपर। तो इसलिए जो है बहुत शॉर्ट सा ये हरम पाक का जो बीबी फातिमा मासूमा के मज़ार का
क्लिप्स लिए हैं, और दोबारा इंशाल्लाह ईरान जो है हम आएंगे जब, तो इसे अच्छे तरीके से अल्लाह करेगा कि हालात उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो चुका होगा और दे वुड अलाउ अस के अब हम जो है शूट कर सकते हैं वीडियोज़, देन वुड टेक मोर बेटर पिक्चर्स एंड देन वुड टेक मोर बेटर वीडियो एज वेल। तो इसलिए अदनान कैसा लगा आपको फातिमा मासूमा का हरम मज़ार? भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह है। आपको बताया था कि हमारे हाशिम चचा ये तो यहाँ पे 20 साल से रहते हैं, तो इनको तो जाहिर सी बात है इनकी हर चीज़ देखी भाली है अंदर बाहर की। बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट, बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग्स, और वैसे भी इतना सुकून। और आप जब किसी रोज़े पे किसी बुज़ुर्ग हस्ती के मज़ार पे जाते हैं तो जो आपको स्पिरिचुअली फीलिंग्स आती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि देर इज़ नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। बट गाइज बहुत खूबसूरत मज़ार, बहुत खूबसूरत लोग, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग सारे जो आप देखते हैं कि यहाँ पे, आप लोग जो देखते हैं कि यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उन्होंने जो बुर्का पहना हुआ होता है, एक्चुअल में वो जस्ट इनका एक स्पिरिचुअल वो ड्रेसिंग है, वो करती हैं बुर्का पहनती हैं, बट इट डजेंट मीन के दे आर बैकवर्ड और दे डोंट नो एनीथिंग और दे आर नॉट एजुकेटेड। माशाल्लाह सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स तालिबे इल्म और तलबा होते हैं और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत पढ़े लिखे लोग, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए मैं कहूँगा कि जो बुर्के में आपको फ़ीमेल्स नज़र आई हैं वो फ़ीमेल्स जो हैं बहुत एजुकेटेड, बहुत प्रोफेशनल माशाल्लाह से, बहुत अच्छे अखलाक की मालिक। बहुत सारे यहाँ पे कपल्स से, लोगों से हमारी बातचीत हुई है और हम सबको शूट नहीं कर सके एज़ यू नो कि किसी की परमिशन के बगैर आप जस्ट कैमरा लेके उनके सामने चले जाएँ उनको शूट करना, वो भी ईरान में स्टार्ट हो जाए, सो दैट इज़ अ वेरी एक्चुअली बैड थिंग, द पीपल फील वेरी बैड ओवर हेयर। तो इसलिए जो है हमने बहुत सारी हमारी मुलाकातें हुई, लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले और बहुत उन्होंने हमें जो है वो अप्रिशिएट किया, इवन के बहुत सारे हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स यहाँ पर बने तो उनको हमने इसमें नहीं डाला। बाकी ये व्लॉग जो है आज मैंने आपसे कहा था कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वो इन्फॉर्मेटिव इसलिए होगा कि जो लोग भी मतलब यहाँ आना चाहते हैं, चाहे वो GCC कंट्रीज़ में या कहीं पर भी, गाइज ईरान इज़ अ जेम और बिज़नेस हब है। लोगों को आइडिया भी नहीं है, यू पीपल हैव नो आइडिया, लोग समझते हैं कि ईरान सस्ता है और यहाँ पर आके जो है बहुत सस्ते में सब कुछ निपट जाएगा, बट इन रियल ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो आप लोग बिज़नेस करना चाहते हैं आप आएँ यहाँ पर, अगर बिज़नेस करें आप यहाँ पर घूमने फिरने आएँ, आप यहाँ पर रिलीजियस रीज़न से आप आएँ, जब भी आएँ तो इंशाल्लाह आप जब आप नेक्स्ट टाइम आएँगे तो आपको हमारा यहाँ पर पाक ईरान रेस्टोरेंट के नाम से आपको यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट मिलेगा और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा, हमारे अपने लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है विद इन 1.5 मंथ्स जो है हमारे अपने जो है रेस्टोरेंट का वो इफ्तिताह हो जाएगा। और उसी सिलसिले में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी करनी थी, लॉयर से मिलना था, ये रीज़न था, और हमारी अपनी जो देसी ट्रैवल एंड टूर्स एजेंसी है उसकी जो ब्रांच है, सब ब्रांच वहाँ पे यू आर गोना ओपन, तो उसके लिए लोकेशंस फाइल कर रहे हैं, इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा गाइस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, इसके बारे में मैं डिटेल में ब्लॉग बनाऊंगा, और स्पेशली उन लोगों को जिनको पिलग्रिमेज ज्यारती वीज़ा चाहिए, डबल एंट्री सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए, बिज़नेस 3 मंथ्स का तजारती बिज़नेस वीज़ा चाहिए, 1 ईयर का बिज़नेस वीज़ा चाहिए, वो सब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एयर टिकटिंग के लिए, वीज़ाज़ के लिए कोई कंपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, शिरकत लेनी है, इकामत लेनी है यहाँ पे, वीज़ा कन्वर्ट करवाने, सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और हेल्प के साथ। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो काफ़ी लोग को नहीं पता होती, कौन से बॉर्डर्स खुले हुए हैं, बाय लैंड बॉर्डर्स, बाय रोड कहाँ से आपको आना है, फ़्लाई करके कहाँ से आना है। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि अगर आप ईरान से फ़्लाई करके किसी नेक्स्ट कंट्री जाते हैं तो आपको रिटर्न टिकट लेना पड़ेगा। उन लोगों को मैं बता दूँ कि जो लोग यहाँ से आगे कनेक्टेड फ़्लाइट लेकर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से टिकट करवा के आएँ, अगर यहाँ से आपने आके टिकट करवाने के लिए किया तो ये आपको सिंगल बोर्डिंग पास नहीं देंगे, फ़्लाई नहीं करने देंगे। तो लिहाजा आपने पाकिस्तान से ही अपनी ट्रैवल आइटनरी जो है वो सेट करके आनी है, यहाँ से आके आप उन्हें नेक्स्ट कंट्री का सिंगल एंट्री टिकट नहीं मिलेगा और रिटर्न लेना पड़ेगा। बंदे के पास वीज़ा ही सिंगल एंट्री हो तो वो रिटर्न कैसे आएगा? तो ये इट डजेंट मेक एनी सेंस टू मी, टू एनीवन, टू एवरीवन। पर स्टिल जो है अब क्या करें, अब इन्होंने ये लॉ कर दी है, लास्ट वीक से जो है ये स्टार्ट हो चुका है, अल्लाह करेगी ये आर्जी तौर पर हो। तो गैस खाना आ चुका है, खाने को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। ऑल ऑफ़ यू गैस वुड बी थिंकिंग के ताहिर भाई जो है वो व्लॉगिंग करते रहते हैं, खाना ठंडा होता रहता है, बट ऐसा नहीं है। अदनान को भूख लग रही है गाइज, अदनान ये हमारे साजिद भाई भी आ गए, साजिद सबको हाई कर दो, अदनान थोड़ा वेट कर जाएं, आप स्टार्ट हो गए हैं बिल्कुल। अच्छा खाना खाएं, सो गाइज देखें खाना आ चुका है,
बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सो गाइज़ अब खाना खाते हैं और आपको करते हैं खुदा हाफिज़। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान है गाइज़, वो नेक्स्ट प्लान हमारा यहाँ से जो है, कल का दिन हम कुंभ के अंदर ही हैं और परसों जो है वो हाशिम चचा जब आ जाएंगे, हम यहाँ से ट्रेवल करेंगे काशान। देन वी विल स्टे इन काशान फॉर टू डेज, फ्रॉम काशान वी विल मूव टू इस्फहान। चचा ऐसा ही है? ऐसा ही, हाँ, काशान दो दिन और दो दिन इस्फहान में बहुत शॉर्ट टूर होगा बिकॉज वी डोंट हैव अ टाइम, वी आर वेटिंग फॉर एम्बेसी टू कॉल अस, जॉर्जियन एम्बेसी ने कॉल करनी है, देन वी गेट टू तेहरान एम्बेसी से जो भी है वीज़ाज का फाइनल करके, उसके बाद फिर देन वी विल मूव टू अज़रबैजान। सो तेहरान को भी, तेहरान की जो सीरीज़ है वो भी 3-4 दिन तेहरान में भी हमने गुजारने, 15 डेज़ हैं हमारे पास अभी हमारा वीज़ा ख़त्म होने में। सो गाइज़ लेट्स सी के कैसे प्रोग्राम जो है वो प्री प्लान नहीं हो सकता, पोस्ट प्लान होगा और आगे देखते हैं क्या है। बट परसों जो है हम काशान के लिए निकल जाएंगे, 2 घंटे का रास्ता है कुम से काशान का, देन जो इस्फहान है उसका काशान से 2 घंटे, मीन्स के कुम से 4 घंटे। तो इंशाल्लाह आपको वहाँ का भी विज़िट करवाएंगे। जो लोग काशान में हैं और जो इस्फहान में हैं, इंशाल्लाह उनसे मिलेंगे, हमारे बहुत सारे भाई, हमारे दोस्त वगैरह, हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं वहाँ पे, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ का आपको विज़िट करवाएंगे। और अब खाना खाते हैं, मिलते हैं आपसे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।